हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने आईफोन का एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास कैसे यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके पास आईफोन है तो इस मैग्नीफाइंग ग्लास की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं टेकी प्रशांत, तो चलिए देखते हैं। अपने आईफोन को एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके आईफोन में iOS 10 इंस्टॉल हो। तो सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाके जनरल और जनरल में एसेसिबिलिटी ऑप्शन में जाना है। वहाँ पे एक ऑप्शन है मैग्नीफायर, आपको इस मैग्नीफायर को ऑन करना है। तो जैसे ही आप यहाँ से ऑन कर देंगे तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, ट्रिपल क्लिक द होम बटन टू स्टार्ट मैग्नीफायर। तो जब भी आपको मैग्नीफायर की ज़रूरत है तो आपको सिर्फ ये करना है कि होम बटन को 3 बार टैप करना है। तो जैसे ही आप होम बटन को 3 बार टैप करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि मैग्नीफायर का पूरा इंटरफेस आपके सामने है। ये दिखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे आईफोन का कैमरा मोड है या फिर कैमरा जैसा कुछ इंटरफेस है, लेकिन ये आपके फ़ोन में कैमरा ही यूज़ कर रहा है, लेकिन ये जो इंटरफेस है वो मैग्नीफाइंग ग्लास का इंटरफेस है। तो इस इंटरफेस के थ्रू आप आईफोन का एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ पर मैं एक सैम्पल, ये एक छोटे छोटे टैक्स है उसे मैग्नीफाइंग करके हम देखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो स्लाइडर है, येलो स्लाइडर, आप उसको स्लाइड करके जूम लेवल है उसे एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर कोई सिचुएशन में ब्राइट लाइटिंग कम है तो यहाँ से कैमरा का फ्लैश भी ऑन कर सकते हैं, और यहाँ से आप उसे फोकस भी लॉक कर सकते हैं। जैसे आपने फोकस लॉक कर दिया तो यहाँ पे जो ये लॉक का है वो येलो कलर का आ जाएगा। दूसरा एक ऑप्शन है फिल्टर्स। तो ये फिल्टर्स बहुत यूज़फुल चीज़ है। आप यहां से डिफरेंट टाइप के फ़िल्टर चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहां पे मैंने वाइट और ब्लू, और दूसरा एक फ़िल्टर है येलो ब्लू, और ग्रे स्केल, येलो रेड, और ऐसे कुछ अलग अलग फ़िल्टर से वो आप सेट कर सकते हैं। और यहां पे एक ऑप्शन है रिवर्स, तो जो आप जो भी टेक्स्ट वगैरह देख रहे हैं उससे कम्प्लीटली रिवर्स हो जाएगा, यानी ब्लैक और वाइट और वाइट और ब्लैक, और इस उसके इक्विवेलेंट कलर जो है पूरा मोड रिवर्स हो जाएगा। और यहाँ से आप उसकी इंटेंसिटी भी सेट कर सकते हैं, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट दोनों यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप शटर बटन जैसा कुछ दिख रहा है उसे आप टैप करके, जैसे आप उसे टैप करेंगे तो ये पूरा लॉक हो जाएगा, और बाद में यहाँ से अपने हिसाब से उसे मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। जैसे बाद में जैसे ही आपने उसे फिर से टैप कर दिया ये नॉर्मल मोड में आ जाएगा, और जैसे ही होम बटन क्लिक कर दिया तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास का ऑप्शन बंद हो गया। तो ये कुछ आसान तरीका था कि आप अपने आईफोन में कैसे मैग्नीफाइंग फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आता है उसे भी टैप कर दीजिए, तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको अपने ईमेल में तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।